Aslam students, hope you all are fine and doing good at your homes. Now, today our topic is class 9th. Our topic is World Wide Web. About what is World Wide Web? Yesterday we read about the basics of internet. Some common uses of internet, and also we read types of internet connections. So we further read about World Wide Web. World Wide Web क्या होता है, जिसकी short form जो है www. आपने सुना होगा इसके बारे में. अ वर्ल्ड वाइड वेब और सिंपली द वेब, ये वर्ल्ड वाइड वेब जो होते हैं होता है, ये क्या होता है, सिंपली वेब, ये सिंपल एक वेब होती है जिसमें क्या होती है, वेब इज अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. इसमें ह्यूज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन किसमें, वर्ल्ड वाइड वेब जो है ये एक सिंपली एक वेब है, इसमें क्या होती है, ह्यूज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. इट्स अ वास्ट नेटवर्क, ये एक वास्ट, वर्ल्ड वाइड वेब जो है इट्स अ वास्ट नेटवर्क ऑफ लिंकड. उसके साथ क्या होती है, लिंक्ड होती है हाइपर टेक्स्ट फाइल्स लिंक्ड होती है किसके साथ, वर्ल्ड वाइड वेब के साथ. ये एक वॉस्ट नेटवर्क है और इसके साथ जो है हाइपर टेक्स्ट फाइल्स, अगर आप देखोगे कहीं भी https://, उसके बाद जो भी होता है, वर्ल्ड वाइड वेब जो है वॉस्ट नेटवर्क ऑफ लिंक्ड हाइपर टेक्स्ट फाइल्स होती है. इस पे स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर्स, कहाँ पे, बहुत सारी वास्ट नेटवर्क ऑफ लिंक्ड हाइपरटेक्स्ट फाइल्स स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड. किसी पर्टिकुलर बंदे के लैपटॉप या कंप्यूटर पे नहीं होता है, लेकिन थ्रू आउट द वर्ल्ड होता है. दैट कैन प्रोवाइड अ कंप्यूटर, जो प्रोवाइड करता है कंप्यूटर यूजर विथ इंफॉर्मेशन ऑन अ ह्यूज वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स. ये अवेलेबल होते हैं, हाइपरटेक्स्ट फाइल्स स्टोर होते हैं कहाँ पे, कंप्यूटर पे थ्रू आउट द वर्ल्ड में, एंड प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को. फिर उसके बाद अगर कंप्यूटर पे ये अवेलेबल है, ठीक है, स्टोर होता है, एक यूजर जाता है, फिर उसके बाद वो क्या करता है, उसको यूज करता है, इंफॉर्मेशन को यूज करता है, कंप्यूटर यूजर जो होता है उसको यूज करता है विद इंफॉर्मेशन ऑन अ ह्यूज वेरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स. किसकी बात हो रही है यहाँ पे, वर्ल्ड वाइड वेब की बात हो रही है. दस इट सर्व्स एज अ प्लेटफॉर्म, ये सर्व करता है एज अ प्लेटफॉर्म थ्रू विच यूजर, कौन सर्व करता है, एक प्लेटफॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब की बात हो रही है यहाँ पे. प्लेटफॉर्म थ्रू विच यूजर्स कैन यूज, यूजर जो होता है यूज करने वाला, वो यूज करेगा या शेयर करेगा इंफॉर्मेशन को, कहाँ पे, किस पे, वर्ल्ड वाइड वेब पे. सिंपली अगर इस क्वेश्चन लफ्जन मज वनो, सो वर्ल्ड वाइड वेब सिंपली वेब यथ मज ह्यूज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन वास्ट नेटवर्क ऑफ लिंक्ड, लेकिन उसके साथ क्या होते हैं, लिंक्ड हाइपर टेक्स्ट फाइल्स, एंड क्या होता है, स्टोर्ड हाइपर टेक्स्ट फाइल्स स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर.
ये जो हाइपर टेक्स्ट फाइल्स होती है ये कहाँ पे होती है, स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर थ्रू आउट द वर्ल्ड। कहाँ पे, थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। दैट कैन प्रोवाइड अ कंप्यूटर यूजर विथ इंफॉर्मेशन ऑन ह्यूज वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट। ये इंफॉर्मेशन देता है फिर किसको, यूजर को, हर एक ह्यूज बहुत सारी वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स के बारे में। ये जो वर्ल्ड वाइड वेब ये सर्व करता है एज ए प्लेटफॉर्म थ्रू विच, एक प्लेटफॉर्म जो है हमारे पास सामने होता है, जिसे क्या होता है यूजर क्या यूज करता है इस प्लेटफॉर्म को और शेयर इंफॉर्मेशन करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, उसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। अब ये वर्ल्ड वाइड वेब किसने बनाया और कब इसको बनाया, उसका नाम था सर, SIR, सर टिम बर्नर्स, BERNERS, बर्नर्स ली, सर टिम बर्नर्स ली इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब। सर टिम बर्नर्स ली इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब। किसने बनाया ये, किसने इन्वेंट किया, सर टिम बिर्नर्स ली, सर टिम बिर्नर्स इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब इन 1889 में। अगर आपको कोई बताएगा वर्ल्ड वाइड वेब किसने इन्वेंट किया तो उसका नाम था सर टिम बिर्नर्स ली, और कब इन्वेंट किया वर्ल्ड वाइड वेब, 1889 में, 1889 में। ये जो सर टिम बिर्नर्स जो है ये क्या था, सर टिम बिर्नर्स इज अ ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट, इज अ ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है ये इन्वेंट किया किसने, सर टिम बर्नर्स, कब, 1889 में। ये जो सर टिम बर्नर्स था ये क्या था, ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट था। तो अब हम आगे पढ़ेंगे, ये वर्ल्ड वाइड वेब की बात अब हो रही थी। ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है इसे क्या होता है, सिस्टम टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन बिटवीन द वेब ब्राउजर एंड द वेब पेज। सिस्टम टू ट्रांसफर, ये जो सिस्टम होता है ट्रांसफर इंफॉर्मेशन करता है बिटवीन, एक होता है वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर, दूसरा होता है वेब पेज। इन दोनों के दरमियान ये जो इंफॉर्मेशन जो है इसको क्या करता है, ट्रांसफर करता है। सबसे पहले हम जानेंगे आप वेब पेज के बारे में, वेब पेज क्या होता है। वेब पेज, वेब पेज इज अ डॉक्यूमेंट, ये एक डॉक्यूमेंट होता है प्रेजेंट ऑन ए कंप्यूटर्स। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कंप्यूटर्स में प्रेजेंट होता है, दैट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट। वेब पेज जो है ये एक डॉक्यूमेंट है, प्रेजेंट कहां पे होता है, प्रेजेंट ऑन ए कंप्यूटर्स, कहां पे प्रेजेंट होता है, कंप्यूटर्स में। लेकिन इतना ही नहीं, उसके बाद दैट इज कनेक्ट टू द इंटरनेट, दैट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट। इसकी बात हो रही है यहाँ पे, वेब पेज की बात हो रही है। वेब पेज जो है ये डॉक्यूमेंट है प्रेजेंट ऑन कंप्यूटर्स, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कंप्यूटर्स में। और उसके बाद क्या होता है, ये कनेक्टेड होता है इंटरनेट के साथ। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वेब पेज, अगर आप देखोगे अपने मोबाइल पे बहुत सारे हंड्रेड्स थाउजेंड्स में
वेब पेज जो है, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वेब पेजेस, बहुत सारे वेब पेज, लेकिन ईच वेब पेज हैज अ यूनिक एड्रेस. ईच वेब पेज हैज अ यूनिक एड्रेस. हंड्रेड्स ऑफ वेब पेजेस होते हैं अवेलेबल, लेकिन अपने अपने वेब पेज के एक यूनिक एड्रेस होता है. एड्रेस या लोकेशन भी बोल सकते हैं उसको. वेब पेज हैज इट्स यूनिक एड्रेस या लोकेशन. ये आप सोचोगे कैसे होता है, मैं आपको एग्जांपल एक देता हूँ. अगर आप देखोगे NCERT, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं यहाँ पे वेब पेज एड्रेस की, ठीक है, NCERT. अगर आपको ये सर्च करना होगा वहां पे, आप देखोगे URL में HTTP://NCERT पूरा स्मॉल में है, ठीक है, NCERT स्मॉल में है, .nic.in वेब पेज की बात हो रही है. मैंने अभी बताया ईच वेब पेज हैज अ यूनिक एड्रेस एंड लोकेशन. जैसे हमारे घरों की एक लोकेशन होती है, एड्रेस होता है, ऐसे ही वेब पेज पे होता है. तो ये हो गया वेब पेज के बारे में. सेकंड वन जो है वो है वेब ब्राउजर क्या होता है. वेब ब्राउजर कॉमनली रेफर्ड टू एज ए ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन. ये भी वेब ब्राउजर है, ये भी एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है. वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन. किसी बात हो रही है वेब ब्राउजर की. वेब ब्राउजर इज ए सॉफ्ट एप्लीकेशन फॉर किसके लिए यूज किया जाता है, फॉर यूजिंग एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब. वेब ब्राउजर ये भी हम बोल सकते हैं. वेब ब्राउजर कॉमनली रेफर्ड एज अ ब्राउजर, ये एक ब्राउजर होता है या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, इसको भी बोलते हैं. ये किसके लिए यूज होता है, शेयरिंग इंफॉर्मेशन. हम क्या करते हैं, शेयर इंफॉर्मेशन करते हैं. कहाँ पे हम शेयर इंफॉर्मेशन करते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब पे. WWW की बात हो रही है, वर्ल्ड वाइड वेब पे, उसको बोलते हैं वेब ब्राउजर. फर्स्ट वन मैंने आपको बताया वेब पेज, सेकंड वन मैंने आपको बताया वेब ब्राउजर. एक बार फिर मैं बताऊंगा वेब पेज और वेब ब्राउजर के बारे में. वेब पेज इज अ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट होता है प्रेजेंट ऑन कंप्यूटर्स. कहाँ पे, कंप्यूटर्स पे, दैट इज कनेक्टेड टू, जो उसके बाद कनेक्ट होता है इंटरनेट के साथ. देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वेब पेज, बहुत सारे हंड्रेड्स में वेब पेज आपको मिल जाएंगे, लेकिन हर एक की अलग पहचान होती है, एड्रेस होता है या लोकेशन होती है. मैंने आपको एग्जांपल भी दी, उसको बोलते हैं वेब पेज. अब वेब ब्राउजर जो है ये भी इसको भी हम कॉमनली अगर बोलेंगे, ये एक ब्राउजर होता है, ठीक है, या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है. सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या ब्राउजर होता है, उससे क्या होता है, हम शेयर इंफॉर्मेशन करते हैं. कहाँ पे, वर्ल्ड वाइड वेब पे. तो ये हो गए कुछ पॉइंट्स आज मैंने आपको बताया अबाउट वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में. उम्मीद है कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.